हेलो फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे है और आज मैं अपने बहुत सारे टीचर्स को याद कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, तो एक आचार्य जी थे छोटे लाल मिश्र, उन्होंने मुझे बहुत बचपन से बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया। और फिर एक आचार्य थे राजीव आचार्य जी, फिर अवधेश आचार्य जी, फिर मैं बड़ा हुआ तो एक मनशाराम पाल जी थे, एक साल मैं सरस्वती विद्या मंदिर में रहा। फिर मैं सैनिक स्कूल गया तो वहाँ पर सी डी मिश्रा सर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद से जब मैं स्कूल में गया तो फिर वहाँ पर मेरे प्रधानाचार्य थे श्री ओम शंकर त्रिपाठी जी, उनसे मेरी काफ़ी बातचीत होती रहती थी। तो इन सारे लोगों ने मुझे सिर्फ जो किताबी ज्ञान होता सिर्फ वो नहीं पढ़ाया था, उसके बाद की दुनिया कैसी है वो सारी चीज़ें भी दिखाई थी। फिर जब जेई की कोचिंग करना स्टार्ट किया तो कानपुर में एक सर थे डॉक्टर जे आर उन्ना सर, उन्होंने मैं उनके घर जाया करता था और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व मैंने देखा, 70 से ऊपर की उम्र की उम्र थी उस समय पर, और उतना व्यवस्थित काम, मुझे पहली बार समझ में आया कि लाइफ में ऑर्गेनाइज काम का कितना बड़ा महत्व होता है, उन्हीं से सीखा। फिर एक सर थे बीपी सर, पृथ्वीपति सर, वो एचपीटीआई में अभी भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ विद्या अर्जन करने के बाद से अपनी नौकरी लगा लेना नहीं है, एक समाज की सेवा का जो एंगल आता है और वो आपको किस तरह से सेटिस्फेक्शन दे सकता है और किस तरह से आपकी जो शिक्षा है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते थे कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो उसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे समझाया। और व्यक्तिगत रूप से भी प्राण सेवा भारती में वो काम किया करते थे तो मुझे उनके सानिध्य में रह करके ये सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर सुपर 30 में आनंद सर, उनके सानिध्य में भी आया तो वहाँ से जो हम लोग गर्दा उड़ाते रहिए उनकी बात करते हैं, वो भी उन्हीं से मैंने सीखी। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं अपने जीवन को बिना इन टीचर्स के योगदान के सोचना मुश्किल हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता मेरा व्यक्तित्व कैसा रहा होता अगर ये सारे टीचर्स नहीं आए होते। तो बहुत 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 उन सारे टीचर्स को मेरी तरफ से आभार है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज जैसा भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से। टीचर्स डे मनाने में आजकल जब भी ज़्यादातर जो जिस तरह से कल्चर चल रहा है हमारा, उसमें बात आती है कि एक टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं। तो दो तीन चीज़ें जो आपको समझना चाहिए, एक तो होता है कि एक एज के बाद से हम लोग खुद से सीखा कैसे जाता है हमको ये समझ में आ चुका होता है, फिर तो हम लोग किताबों से बाकी किसी भी तरह से सीख सकते हैं। तो ज्ञानार्जन में भी टीचर्स का बहुत योगदान होता है, लेकिन ज्ञानार्जन के साथ साथ एक चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विजडम, ठीक, कि एग्जैक्टली लाइफ में चीज़ों को देखना कैसे है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ऐसे समझिए, एक सिस्टम है जिसमें हर इंसान को कितने पैसे मिलेंगे किस काम के वो डिसाइड किया जा रहा है, चेंज होता रहता है लगातार, लेकिन फिर भी एक सिस्टम बना बनाया है कि आप डेली वेज लेबरर हैं तो आपको 300 रुपये हर रोज का मिलेगा, आपको बाकी बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है फिर आप क्लर्क बन गए तो आपको कुछ सैलरी है 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, फिर आपको कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। उसके बाद हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो आपको पूरे समाज के लिए निर्णय लेने का भी मौका मिल सकता है अगर आप चुन करके आ गए। तो अलग अलग लेवल्स पर सिस्टम में आप काम कर रहे हो। अब इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जिनको ये पता ही नहीं कि सिस्टम काम कैसे करता है, तो उन लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद होती है, क्योंकि उनको पता नहीं ये चीज़ें चल कैसे रही हैं। तो उसमें पूरा इंसान की डिग्निटी भी जा सकती है, कई बार लोग ठगासा महसूस करते हैं, कोई बहुत आसानी से आपको परेशान भी कर सकता है। तो वहाँ पर जो एकदम बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है समाज के चलने की, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और जब तक वो नहीं होती तो स्थिति बहुत दयनीय रहती है। दूसरा जो स्तर आता है उसमें आता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर ली, आपको ज्ञानार्जन भी हो गया, और उसके बाद वो जो बना बनाया सिस्टम है आप उसमें कोई इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, आप बैंक में क्लर्क बन गए, आप बैंक में मैनेजर बन गए, उसके बाद से कि आप किसी स्कूल में टीचर बन गए, किसी पुलिस स्टेशन में आप सब इंस्पेक्टर बन गए या कुछ भी, तो जो बना बनाया सिस्टम है आप उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक कॉन्फिडेंस आता है और आप साथ में क्योंकि वो सिस्टम चल रहा है उसको देख पा रहे होते हैं, उसको चला रहे होते हैं। और तीसरा स्तर भी होता है, वो स्तर होता है कि इस सिस्टम में खामियां क्या हैं। आज से कुछ दिन पहले ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत काम किया, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। उससे थोड़ा और पहले जाएंगे तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में बहुत काम किया, लोगों को जला दिया जाता था लड़कियों को, एक हमारे समाज में जो इस तरह की स्थिति बनी हुई थी बहुत समय तक बनी रही, फिर बाकी जाति व्यवस्था को लेकर के भी बहुत तरह के अत्याचार होते रहे। तो अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सारे लोगों के सामने उजागर करना, क्योंकि इन समस्याओं को आप अकेले हल नहीं कर सकते, ये काम समाज का है, संगठन का है, तो अवेयरनेस फैलाना, उसके साथ में उसको पूरा कर पाने में जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रयोग करना या किसी इस तरह का सिस्टम बना करके देना। जैसे अभी तक मैंने अपने स्कूल में जो टीचर्स ने पढ़ाया तो मैंने उनका नाम लिया था, लेकिन उसके साथ ही मैंने स्वामी विवेकानंद जी को काफ़ी पढ़ाया, उसके साथ में मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली है, क्योंकि उन लोगों के जीवन को देखते हुए लगता है कि इनका मैं 1% भी जीवन में कर पाऊंगा तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शिक्षा का काम भी किया और साथ में पूरे समाज को पूरे दुनिया को बदलने का काम भी कर रहे हैं, जैसे आज इलॉन मस्क साहब हैं।
तो इलॉन मस्क साहब भी ऐसे हैं, मुझे उनको देखकर के लगता है कि मेरी वो क्षमता ही नहीं है, मतलब वो पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं उनके जैसा कुछ काम भी कर पाऊँ। लेकिन अपने कॉलेज के टाइम पर जब मैं पढ़ रहा था तो इंडिया में जितने भी ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, बिट्स प्लानी है, कुछ अच्छे NITs हैं, अगर आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छी तरह से क्लासेस नहीं ले रहे होते हैं। तो ऐसे में हम लोग किसी और सोर्स को इंटरनेट पर देखना स्टार्ट कर देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। ऐसे ही जब मैं अपने टाइम पर था तो मैंने सलमान खान एक हैं खान अकेडमी के, उनके वीडियो देखना स्टार्ट किया और इकोनॉमिक्स के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उनके देखे और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि ये काम तो मैं भी बड़ा होकर के कर सकता हूँ। तो जो ये काम कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर इस काम को लेकर के सलमान खान बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो मैं बता क्या रहा था कि जब आप किसी भी समाज में इन तीन स्तर में कहां पर आते हैं तो नीचे से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको सिस्टम की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो हो कि सिस्टम काम कैसे करता है जिससे कि आपका शोषण ना कर पाए। दूसरा होता है कि आप सिस्टम का पार्ट बन सकते हो और सिस्टम जिस तरह से काम कर आप उसी तरह से काम करते चले जा सकते हो। तीसरा होता है कि सिस्टम की आप खामियां देख सकते हो, सिस्टम में कौन कौन सी बुराइयां हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय साहब ने किया, आज इलॉन मस्क साहब कर रहे हैं। अलग अलग स्तर की बहुत सारे राजनीतिक होती है, सामाजिक होती है, प्रौद्योगिकी में होती है, हर तरह की समस्याओं को आइडेंटिफाई करके और जो आप कर सकते हैं। बचपन से तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, आप भी कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। स्वामी विवेकानंद भी जिस टाइम पर पैदा हुए थे उनके पास ऐसी क्षमता नहीं थी। उन क्षमताओं को हम अर्जित करते हैं और अर्जित करते करते समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। कभी कभी हमें से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि समाज में बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं और समाज में आप कितना भी कोशिश कर लो कुछ बदलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप, मैंने वही बताया, आप हिस्टोरिकली देखोगे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि समाज जरूरी नहीं हमेशा सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। कई बार समाज जो है वो बैक गियर में चला जाता है, पीछे जाने लग जाता है। तो वहाँ पर कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट होती है, बहुत गुस्सा आता है कि इससे अच्छा तो है कि सारी चीज़ें छोड़ करके कुछ और करने लग जाते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, और इंटरस्टेलर मूवी में एक सीन होता है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट अकेले 26 साल के लिए एक छोटे से शिप में स्पेसक्राफ्ट में रह जाता है। और जब वो बाकी लोग लौट करके आते हैं तब उसको रियलाइज़ होता है कि समाज कितना इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने वो पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा, मुझे भी एक कभी कभी लाइफ में ऐसा लगने लगा था कि समाज में कुछ ज़्यादा परिवर्तित किया नहीं जा सकता और समाज को देख करके बहुत कष्ट भी हुआ है लाइफ में। तो उस मोमेंट पर ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, समाज वास्तव में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी मेरे लिए कुछ हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं लोगों की वजह से मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ और मीनिंगफुल लगता है और साथ में खुशी मिलती है। तो यहाँ पर आप भी अल्टीमेटली रियलाइज कर पाएंगे, अगर इस तरह का कभी फ्रस्ट्रेशन आया भी है तो समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि समाज में जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं वो आपको निगेटिविटी दे रहे हैं या फिर किसी तरह की परेशानी हो रही है। ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते, हो सकता है किसी ने 200 साल पहले किताब लिखी थी, उस किताब को आप अपने से ज़्यादा क्लोज पाएं, तो उस दिशा में काम करिए। और ऐसे में जितने भी लोग हैं, जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया, वो सारे लोग आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, उन सारे लोगों को ये देखिए कि आप इनसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और आप भी समाज में सार्थक योगदान किस प्रकार कर सकते हैं। अपनी क्षमता और समाज में व्याप्त बड़ी परेशानी को देखते हुए ही हम लोगों ने अपनी क्लास नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इस इनिशिएटिव में हमारी कोशिश है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल पाना बहुत कठिन है, और धीरे धीरे एक इस तरह का नेटवर्क, एक तरह का सिस्टम बना है जिसमें इंटरनेट लोगों के पास आना स्टार्ट हो चुका है। तो क्यों ना सारे लोगों को उन्हीं की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जैसा कि मैंने सलमान खान साहब से सीखा था और मुझे इंग्लिश में समझ में आना स्टार्ट हो गया था तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता था। लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो अपनी अपनी भाषाओं में कंफर्टेबल हैं, तो वो करना हमारी कोशिश है। और ये काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है। कितने सालों से हमारे देश की सरकार भी कोशिश कर रही है और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बहुत दूर हैं, और इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे पास मानव संसाधन है लेकिन बहुत कम, वित्तीय संसाधन है लेकिन बहुत कम, जो काम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा काम है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा जिस तरह से भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमारे इस प्रयास में जरूर करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनका मुझे मैसेज आता है कि सर, हम लोगों ने कोचिंग छोड़ दी है, ट्यूशन छोड़ दी, क्योंकि हमें आपके वीडियोस और बाकी नोट्स सारी हेल्प मिल रही है। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो समाज में कुछ सार्थक योगदान दे पाने का है। मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग दुनिया से जाएं, या मैं जाऊँ या आप जाएं, कुछ सबको जाना तो है एक दिन, उस दिन जाने के समय पर और जब हम दुनिया में आए थे उस दिन का जो समाज था उसमें कुछ अंतर हो चुका और कुछ सकारात्मक अंतर हुआ, ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करिए, हम लोग मिलकर के काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, गर्दा उड़ा देंगे।